Now, good evening, Ayush. कैसा पेपर दे के आया? चलो अच्छा, नेशनलिज्म इन इंडिया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, कैसे आया? नेशनलिज्म के लिए कुछ ना कुछ ऐसी कॉमन फीलिंग होनी चाहिए जो लोगों में, जो लोगों को बांध सके। अवर कंट्री इज ए डाइवर्स कंट्री, वी आर हैविंग मैनी लैंग्वेजेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन, सो हाउ कुड नेशनलिज्म बी डेवलप्ड इन अवर कंट्री। ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि सब लोग एक ही कंट्री के हैं, दे फील दैट दिस इज अवर इंडियन रीजन। ये चीज हो पाना ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके लिए कुछ कॉमन कॉज होना चाहिए था। सो दैट कॉज वाज गिवन बाय, इट वाज प्रोवाइडेड बाय ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। सो ब्रिटिश हैज कॉलोनाइज्ड मोस्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन रीजन लाइक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इवन मेनी अदर पार्ट्स, सम पार्ट्स ऑफ म्यांमार, दैट इज अर्लियर कॉल्ड बर्मा। तो इतना पोर्शन ब्रिटिश के टेरिटरी में था। नाउ सो हाउ नेशनलिज्म डेवलप्ड इन इंडिया, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप वाज एसोसिएट विद फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। उस समय क्या हो रहा था, ये 1870 की बात है, और हम लोगों पर जो ये रूल रहा है दैट इज 1700 टू 1947, ये दैट इज द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल। अगर आप और ज्यादा देखें तो आप इसे 1750 कह सकते हैं, क्योंकि 1600 में ब्रिटिश एंटर कर गए थे, लेकिन धीरे 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 उनको पांव जमाने पड़े। तो इनिशियली तो वो तो ट्रेडर्स थे, तो ट्रेडर्स तो रूल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अच्छा काम नहीं किया तो कई जगह प्रॉब्लम होने लगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जो क्वीन एलिजाबेथ ने, उसको क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से रेस्टिकेट कर दिया। उसको पहले सिंगल अथॉरिटी दी गई थी कि तुमको ही यहां पर ट्रेड करना है, नो बडी एल्स विल ट्रेड ओवर हियर। वैसे तो ब्रिटिश में बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश रूलर को यह खुश किया होगा, तो उसको पूरी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि तुमको ही यहां से कॉटन मिलेगा, कोयला मिलेगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करने लगी, पावरफुल करने लगी, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई कि उसका कुछ क्लैश हो गया, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब नहीं मानती थी, उसके पास ज्यादा पैसा हो गया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उससे डिसप्लीजर हो गई। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पर उसको हटा दिया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब ब्रिटिश एम्पायर स्थापित कर दिया। अब यहाँ पर जो पहले कॉलोनी बन रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब वो ब्रिटिश एम्पायर में बदल गई। नाउ वी वर अंडर ब्रिटिश एम्पायर, ऐसा था। तो इस तरीके से फिर मॉडर्न नेशनलाइजेशन इन यूरोप वॉज एसोसिएटेड विथ, बट इतना ही नहीं था। उस समय बहुत सारे ऐसे कंट्री थे, जैसे फ्रांस वहाँ नेशनलिज्म
हो रहा था तो सब लोग वहां पर नेशनल की फीलिंग रखते थे। फ्रांस एक नेशन होना चाहिए, हमारी एक आइडेंटिटी है। जर्मनी एक नेशन होना चाहिए, इटली एक नेशन होना चाहिए। 1870 में फ्रांस नेशन बन गया नेपोलियन थ्री के उसमें। इसी तरीके से विक्टर इमैनुअल में इटली बन गया। ऐसे अलग अलग हम देखेंगे, कैसर विलियम में जर्मनी बन गया। सबने अपना अपना अलग अलग नेशन बना लिया। इवन यूनाइटेड किंगडम ने स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिला के अपना नेशन बना लिया। तो यूरोप में अब नेशन नेशन बन गए। वहां राजा नहीं रह गए कि एक राजा दूसरे को ऑक्युपाई कर ले फिर वो उसका टेरिटरी नहीं रह गई, फिक्स हो गई और उसे नेशन का नाम दिया। और नेशन में रहने वाले लोगों को सिटोयन और सिटोइनी यानी सिटीजन का नाम दिया गया। फ्रांस में नाम दिया गया कि जो वहां रहेंगे वो नेशन को अपनी मदर मानेंगे और वो सिटीजन्स है। तो ऐसी फीलिंग आ गई। उनका एक अलग सिंबल हुआ करता था, एक फ्लैग हुआ करता था। और इसके अलावा एक एलिगरी होती थी, जैसे मैरियनी हो गई या जर्मेनिया हो गई, जर्मनी की जर्मेनिया हो गई और फ्रांस की मैरियनी। ऐसे भारत की जो थी वो भारत माता बनी बाद में। तो एक एलिगरी होती थी रूपक, उसको हम लोग देश मानते थे। वो एक जीता जागता स्वरूप हुआ करता था। तो ये सब कैसे हुआ? हाउ कुड दिस फीलिंग डेवलप इन इंडियन पीपल इन दिस सब कॉन्टिनेंट हैविंग डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर? तो उस समय यूरोप में नेशनलिज्म राइज हो रहा था सबसे पहली बात। तो उसका एक इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ा कि हमें भी अब एक नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। नेशन का कॉन्सेप्ट यह है कि ना हम 1 इंच जमीन किसी की लेते हैं और ना अपनी 1 इंच देते हैं। वी आर सोवरन, हम अब संप्रभु हैं। यानी वी कैन टेक अवर डिसीजन बाय अवर सेल्स एंड नो बडी हैज एनी राइट टू इंटरफियर इन अवर्स मैटर। वी आर हैविंग अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी आर गवर्न्ड अबाइडेड बाई अवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी डिसाइड अवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। वी ऑल सिटीजन, सो अवर गवर्नमेंट इज मे बी डेमोक्रेटिक। अगर नेशन है तो उसकी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक भी हो सकती है, यहाँ दूसरे रूल भी हो सकते हैं। कहीं कहीं ऑटोक्रेसी भी है, कहीं कहीं किंग का भी रूल है, बट वो भी नेशन है। तो हमारे यहाँ एक नेशन रूल बना और डेमोक्रेसी बना। अब जरा देखें, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप वॉज एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। न्यू सिंबल आइकन सॉन्ग्स एंड आइडियाज होज लिंक एंड रिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। सो जो भी इंडिया हैड गॉट द आइडिया ऑफ नेशन। ये बहुत लेट में आइडिया आया, हम लोग तब तक बहुत गरीब थे। 1870 के बाद सबसे पहले फ्रांस बना था, तो हमें लगा ये फ्रांस तो नेशन बन गया, वहां के लोग शासन चला रहे हैं। हमने तो कभी देखा ही नहीं था कि लोग भी चला सकते हैं। तो सोचते थे राजा चलाएंगे, महाराणा प्रताप चलाएंगे, हम कहाँ चलाएंगे, अकबर चलाएंगे। तो इंडिया हैज गॉट द आइडिया ऑफ नेशन इन 1870 फ्रॉम फ्रांस। फ्रांस उस समय नेशनहुड में आ गया, ठीक है। एंड मैनी अदर यूरोपियन कंट्रीज, और दूसरे भी कंट्रीज आ गए थे। यूरोपियन कंट्रीज दे हैव वेल डिफाइंड टेरिटरी। अब वो लड़ते नहीं थे टेरिटरी के लिए, वेल डिफाइंड टेरिटरी, ठीक है। और अगर लड़ते थे तो पूरा देश लड़ पड़ता था कि अरे तुमने मेरी 1 इंच जमीन कैसे ले ली। तो पूरा देश, जैसे आपने देखा होगा 71 में गाड़ियां खाली जा रही थी, ट्रक, उसमें लोग अपने जेवर और अपनी ज्वेलरी पैसा ऐसे भर भर के दे रहे थे कि जाओ सिपाहियों को दो। वो लद लद के जा रही थी जबकि देश गरीब था। तो कहाँ से ये फीलिंग आई? हम लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया जिससे कि वहां पर लड़ाई में हमारे जवान जीत जाए। तो ये तो एक नेशन की फीलिंग है ना, पूरे देश से कितना सारा सब कुछ गया गवर्नमेंट के पास, फिर उससे चीजें खरीदी गई और हमने युद्ध जीता। तो इट इज दैट वी आर हैविंग वेल डिफाइंड टेरिटरी। और क्या था इसके अलावा? न्यू सॉन्ग्स थे, सिंबल्स हुए, सिंबल्स हर चीज के सिंबल हो गए, फ्लैग में सिंबल हो गए, आइकन्स। तो न्यू सॉन्ग्स के हमारे अपने आइकन्स हैं कि दिस इज, जैसे हमारे आइकन है महात्मा गांधी, ऐसे कहीं पर अब्राहम लिंकन है। तो हमने हमारे एक आइडियल पर्सन हो गए। इसके अलावा क्या हो गए? एक आइकॉनिक पर्सनालिटी हो गई। न्यू सॉन्ग्स, न्यू राइम्स हो गए जिससे
जिसमें कि राष्ट्रगान हो गया और राष्ट्रगीत हो गया, ऐसे चलने लगे। इसके अलावा ये सारी चीजें आने लगी। एंड वेरियस कम्युनिटीज एंड कल्चर्स हैव बाउंडेड एंड कन्फाइंड विद इन ए टेरिटरी ऑल फ्रेंच स्पीकिंग पर्सन्स हु आर मोस्टली फ्रेंच स्पीकिंग दे confined their territory and named it as France. In the similar manner, different other communities and different lingual groups have grouped separately and they called it their own country. ऐसा कहा गया। तो अलग अलग चीजें होने लगी। In India, growth of modern nationalism is closely linked with anti-colonial movement. हमें nationalism कैसे आया? So our nationalism developed विद एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। हम लोगों ने उपनिवेशवाद का विद्रोह किया कि हमको ब्रिटिश के अंडर में नहीं रहना। कॉलोनी बना ली थी उन्होंने, फिर कॉलोनी बनाते बनाते वो फोर्ट बनाने लग गए कि हम अपने कॉलोनी का पैसा रखेंगे। तो पहले छोटी छोटी कॉलोनी बनाई कि हम इतनी छोटी जगह में हम लोग ग्रुप होकर रहेंगे। जब ग्रुप होकर कोई रहता है उसको कॉलोनी कहते हैं, उसको कॉलोनाइजेशन कहते हैं। फिर उन्होंने उस पर सोल अपना अधिकार जमा लिया कि अब यहाँ कोई आ नहीं सकता। फिर उन्होंने उसके लिए सेना रखी कि अगर कोई आएगा तो ये हमारा क्षेत्र है, उसको मार देंगे। फिर उन्होंने बताया राजा से अनुमति लेकर के कि नहीं नहीं हमें तो फोर्ट बनाना पड़ेगा। बट उस फोर्ट में तो उन्होंने सेना रखनी शुरू कर दी। एंड देयर वर वेरी पॉलिटिकल डलहौजी एंड अदर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने फिर धीरे धीरे यहाँ के लोगों को लड़ाना शुरू किया, आइदर ड्यू टू देयर ओन डिफरेंसेस और ड्यू टू रिलीजन। और इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आसानी से रूल कर लिया। उन्होंने कहा अगर रूल कर लेंगे तो फिर हमें किसी से कुछ परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी और सब कुछ हमारा होगा, हम सिंपली यहाँ से भर भर के भेजेंगे। तो जब एक बार उनका रूल हो गया ब्रिटिश रूल का, फिर उन्हें परमिशन नहीं लेनी पड़ी किसी किंग से, फिर तो भर भर के भेजा इन्होंने यहाँ से सामान। तो वो लास्ट 50 ईयर्स तो ऐसे थे कि उन्होंने सब कुछ यहाँ से खाली कर दिया। सो अब इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज क्लोजली अवर नेशनल मूवमेंट is closely related to anti-colonial movement. Anti-colonial movement. हम लोगों ने उपनिवेशवाद का पूरे भारत में विद्रोह किया क्योंकि सफर था। We all were suppressed. First World War was a great event in world history. First World War create many problem for Indian, especially in economic field. So, first इस चीज को ध्यान दीजिए। First World War was the first World War was great event in history. तो इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम देखते हैं कि इंग्लैंड ने लड़ा। सो इंग्लैंड ने यहां पर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लग गया तो उसमें क्या हुआ कि ड्यू टू दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉर बिटवीन, ये जर्मनी के साथ ही लड़ा गया क्योंकि उस समय क्या हुआ था कि प्रूशिया के जो राजा थे उनको सर्बिया, ये हैब्सबर्ग एम्पायर ऑस्ट्रिया के राजा को सर्बिया में मार दिया गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया तो इंग्लैंड उसमें बुरी तरीके से इन्वॉल्व था। आप ये देखिए ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज में यहां फ्रांस है, यहां जर्मनी है, जर्मनी यहां, इंग्लैंड है, यूनाइटेड किंगडम, ये ऑस्ट्रिया है, अच्छा ये लुई 16 है और ये मैरी एंटोनिटी है, यहाँ की रानी से शादी की थी। यही के दो नोबल फैमिली के हस्बैंड वाइफ यहाँ से सर्बिया में गए तो सर्बिया में क्या हुआ, सर्बिया में उनको गोली मार दी गई। वहां पर कुछ एक्टिविस्ट थे वो नहीं चाहते थे कि ऑस्ट्रिया उन पर राज्य करे तो उन्होंने गोली मार दी, यहां से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। और इसके बगल में पोलैंड है तो इनमें क्या होता था कि ट्रिपल अलायंस कई कई लोगों में बना हुआ था, यहाँ रशिया था ठीक है और ये इटली थी। तो ट्रिपल अलायंस की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे कंट्री युद्ध में इन्वॉल्व हो गए। तो जर्मनी ने इसके साथ युद्ध कर दिया,
जर्मनी ने फ्रांस के साथ युद्ध कर दिया, लेकिन फ्रांस का इसके साथ अलायंस था कि हमें से अगर कोई युद्ध करेगा तो हम दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, तो इसने भी जर्मनी में युद्ध कर दिया। तो जर्मनी को बुरी तरीके से जो जितना भी वार था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया एक साथ हो गए, तो सारी युद्ध की जिम्मेदारी जर्मनी को दी गई और जर्मनी पर 90 ईयर्स का रिन्यूमरेशन ठोक दिया गया, वार रिपेरेशन, कि तुम्हें इतना पैसा देना है 90 साल तक। इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो हिटलर अपनी सेना बढ़ाने लगा, सब अपने आप को एक्सपेंड करने लगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का ये रीजन था कि इसका राजा जो है यहाँ मार दिया गया था। फिर जब इसका राजा यहाँ मार दिया गया तो इस पर अटैक किया, लेकिन रशिया ने कहा था सर्बिया के साथ अगर तुम पे कोई अटैक करेगा तो मैं तुम पे अटैक करूंगा, तो फिर इसने इस पे अटैक किया। इन दोनों में भी आपस में पैक्ट था, तो इन दोनों में भी पैक्ट था और इसके साथ इटली में भी पैक्ट था, तो ये तीनों एक साथ हो गए। जब रशिया ने इस पर आक्रमण किया तो जर्मनी ने इस पर आक्रमण किया, टू फ्रंट वार खोल दिया। अच्छा, ये सारी चीज हो गई। एक और चीज मुझे बतानी है, यहाँ पर एक था ऑटोमन एम्पायर, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अभी हम खलीफत आंदोलन की बात करने जा रहे हैं। तो ऑटोमन एम्पायर का क्या मतलब है और उसका राजा कौन हुआ करता था एम्पायर? तो इसका इसमें सुल्तान हुआ करता था। ऑटोमन एम्पायर में कौन होते थे? तुर्क होते थे। तो तुर्क खलीफा, बिल्कुल सही कह रहे हो, तो इसको खलीफा कहते थे। जो खलीफा होता था वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर माना जाता था, खलीफा। तो ऑटोमन एम्पायर का ये किंग हुआ करता था। तो अब जरा देखिए, ये जितना भी युद्ध हुआ उसमें ऑटोमन एम्पायर की भी हार हुई और उसके खलीफा की बहुत सारी पावर्स सप्रेस कर दी गई। तो सप्रेस कर दी गई और इंग्लैंड ने, क्या आपको ये बात मालूम है, 1 लाख इंडियंस को बुलाया था वहां लड़ने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड लड़ नहीं पा रहा था, हार रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जब यूएसए ने एंट्री की तो यूएसए ने इसमें एंट्री की तो यूएसए इसमें जब एंटर किया तब जर्मनी हारा है। जरा देखिए, ये जो भी वर्ल्ड वार हुआ है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये 1914 से कब तक लड़ा गया? 1918 तक चला गया। तो 1917 में यूएसए इसमें एंटर किया, 1917, 3 साल में ये सब हारने लगे थे, यानी ये इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब की, रशिया की हालत खराब हो गई थी, हारने वाले थे, जर्मनी हरा रहा था सबको। लेकिन जैसे ही यूएसए इसमें इंटर किया, जिसने सबको, ये जर्मनी को हरा दिया, ऑस्ट्रिया को, इटली को, सबको एक किनारे कर दिया, तो जितनी भी एक्सिस पावर थी उसको हरा दिया और जो एलाइड पावर्स थी वो जीत गई, और इस तरीके से ये हुआ। अब जरा देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार की वजह से जर्मनी पे इम्पोज क्या किया गया, उसके चारों तरफ बहुत सारी टेरिटरीज बना दी गई कि तुम अपनी एरिया को अब कन्फाइन रखोगे, और उसकी बहुत सारी टेरिटरी ले ली भी गई। जो जर्मनी था वो 50% तक रिड्यूस कर दिया गया, आधा रह गया जर्मनी, और उससे 90 ईयर्स तक हाँ बोलो, ये जो जर्मनी थी इसने क्या हुआ था कि जॉलवरीन 39 स्टेट्स को लेकर के और उनकी कॉमन ट्रेड और करेंसी को लेकर के बहुत बड़ा रीजन बना लिया था। अच्छा, उसने थोड़ा फ्रांस का लिया था, थोड़ा ऑस्ट्रिया का लिया था, थोड़ा पोलैंड की जमीन हड़प ली थी, ये कहते हुए कि हम सब तो एक ट्रेड्स वाले हैं, हमें एक साथ हो जाना चाहिए। और जो प्रूशिया का जो राजा था कैसर विलियम, वो यहाँ का राजा बन बैठा। तो इस तरीके से जर्मनी ने अपने आप को बहुत पावरफुल कर लिया था। और उसी समय में सर्बिया के, ये ऑस्ट्रिया के राजा की सर्बिया में गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो ओपन बग्घी में घूम रहे थे, तो उनको मना किया गया था कि ऐसा मत करो, पर वो वहां घूमने निकले थे तो उनकी हत्या कर दी गई। यही एक इमीडिएट कॉज था, इसके अलावा बहुत सारे और भी कॉज थे। सो अब जब इसकी हत्या कर दी गई तो आपने देखा कि जो दो तरीके की पावर थी, एक सेंट्रल पावर थी और दूसरी कौन सी थी बताओ, एक्सिस थी। तो जो एक्सिस पावर थी उसमें कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, और इन सब में कौन था, और भी कुछ नाम थे जैसे बुल एंड दैट इज एक देखो जो एक है इसको लिखो एलाइड पावर, एलाइड, और जो एक्सिस पावर है उसे सेंट्रल पावर कहो, उसे क्या कहो,
सेंट्रल पावर धुरीय शक्तियां, और एलाइड पावर कौन सी थी? सहयोगी शक्तियां। इसमें कौन कौन आता था बताओ? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और यूएसए। तो इनके बीच में युद्ध हुआ। ओके, तो अल्टीमेटली किसको जिम्मेदार समझाया गया? समझा गया। और यहां पर ये देखिए, ये भी युद्ध में कूद पड़ा, दैट इज ऑटोमन एम्पायर। सो ऑटोमन एम्पायर, सो दीज वर ऑल बाउंडेड बाय सम ट्रीटीज। किसी में ट्रिपल अलायंस था, ट्रिपल एंटिटी थी, ऐसे कई अलायंस थे, आपस में तीनों ने कर रखा था। जैसे आजकल नाटो है ना, नॉर्थ अटलांटिक एसोसिएशन, की 18 देश हैं, एक देश पे भी कोई एक बम गिरा देगा तो सारे 18 देश उसके पीछे पड़ जाएंगे। उनमें ऐसा है, तो कोई यूरोप को छू नहीं सकता, क्योंकि 18 यूरोपियन कंट्रीज एक हो गए हैं, तो वो बहुत शक्तिशाली हो गया है। तो उसी तरीके से इनमें भी ट्रिपल अलायंस था, कि कोई किसी पे करेगा तो एक दूसरे पे हमला करेंगे। तो अब इसमें जर्मनी को क्या कराया गया? क्या युद्ध के लिए दोषी माना गया? क्योंकि उसने अपनी टेरिटरी बढ़ा ली थी, और अननेसेसरी का क्या हुआ था कि नेपोलियन सब जीतता ही चला जा रहा था, उसने आधे यूरोप पर कब्जा कर लिया था, और जहां जहां जा रहा था वो हैवी टैक्सेस लगा रहा था, और वो क्या है कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे सब कर रहा था, तो सबने मिलकर इसे हराया। और सर्बिया का भी विजन था, ठीक है, ये नेपोलियन नहीं, उस समय ये सर्बिया वाली थी, नेपोलियन की तो बात नहीं थी, ये सर्बिया, नेपोलियन तो फ्रांस का था, तो यही वाली बात थी सर्बिया का। अब जरा देखो कि इसमें जर्मनी को दोषी ठहराया गया, जर्मनी पर वारी पेरेशन थोपे गए, और ऑटोमन एम्पायर के खलीफा की पावर को क्या कर दिया गया बताइए? रिड्यूस कर दिया गया। बोलो, बात समझ में आ गई? तो इसके रिजल्ट्स क्या हुए? रिजल्ट्स हुए कि एक्सिस पावर डिपीट हो गए। सो फ्रांस वाज, ये जर्मनी वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। जर्मनी को क्या किया गया? वो जर्मनी वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो और साथ ही साथ भी क्या किया गया? वॉर रिपेरेशन हैज बीन टेकन, उससे वॉर रिपेरेशन लेके दिए गए, हैड बीन टेकन, यानी जो मेरा बम गिरा है उस बम का भी पैसा दो, और इसके अलावा तुमने जो हमारे यहां बम गिराया है और वो इंस्टॉलेशन जो हमारे खराब हुए उसका भी पैसा दो, दोनों पैसा तुम्हें दो, टेकन। तो हमने 2 करोड़ का तुम पे बम गिराया था, उस 2 करोड़ को दो। अब तीसरी चीज क्या हुआ? वॉर रिपेरेशन 90 ईयर्स के लिए गए, और खलीफा की, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, द पावर्स ऑफ खलीफा वर कन्फाइंड। पावर, तो इससे मुस्लिम भी नाराज हो गए, तो मुस्लिम भी हमारे नेशनल मूवमेंट में जुड़ गए। पावर ऑफ खलीफा वॉज कन्फाइंड, उनको भी ये दिया गया। सो ये तो पहली बात हो गई कि किस तरीके से ये सिचुएशन बन रही थी कि हमारे यहां नेशनलिज्म आए। अब आगे की बात देखो, तो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। और कुछ और भी बातें थी कि ब्रिटेन हैज टेकन मेनी ऑफ द रिसोर्सेस। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसने यहाँ के जुलाहों से, वीवर से बहुत सारे कपड़े बनवाए, बहुत ड्रेस बनवाई, कि बहुत काम होता है वॉर में, तो यहाँ सबने तो खूब काम किया, खूब पैसे कमाए। लेकिन एक बार अगर वॉर खत्म हो गया तो क्या लोगों के पास अब काम रह जाएगा? क्या वो लोग फौजियों की ड्रेस बनाएंगे? सो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फिनिश्ड, मैनी ऑफ द वीवर्स वर अनएम्प्लॉयड, उनके पास अब काम ही नहीं रह गया, वॉर खत्म हो गया तो क्या काम रह गया। और कई लोगों के जो 1 लाख लोग गए थे, जिनके लिए गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है, उनके शहीद स्मारक बंबई में, तो वो सब लोग मारे गए वहां पर। अभी भी बहुत सारे लोग वहीं रह गए जो घायल थे, तो नर्सेज ने उनसे शादी कर ली। तो इसलिए ब्रिटिश में हमारी 25% तो इंडियंस ही हैं। तो इसमें क्या हुआ कि ज्यादातर लोगों के घर में कोई कमाने वाला नहीं रह गया, और कई हमारे यहाँ ऐसे थे जो अनएम्प्लॉयड हो गए। सो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, अब जरा एक और फैक्ट आ गया, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर
मैनी ऑफ ये जो भी डिफेंस प्रोडक्ट थे वर ये प्रोड्यूस्ड इन इंडिया लेकिन बाद में क्या हुआ विच ठीक है आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रोडक्शन वाज स्टार्ट प्रोडक्शन रुक गया स्टॉप्ड कीपिंग ठीक है लीविंग लैक्स ऑफ वर्कर अनएम्प्लॉयड बहुत सारे वर्कर अब अनएम्प्लॉयड हो गए थे देयर वॉज ऑल्सो ए डिसेंट और एक और भी डिसेंट था लोगों के मन में कि अब जब भी हमारे अवर मोर देन लैक्स ऑफ सिपॉयज वर इंगेज्ड हमें कुछ लेना देना नहीं था विद इंग्लिश पर्सन इन सपोर्ट टू इंग्लिश पर्सन क्योंकि हम उनके स्लेव्स थे इंग्लिश पर्सन सो इट क्रिएटेड ए डिसेंट कि उनको भर भर के गाड़ियों में ले जाएगा जबरदस्ती सिपाही बनाएगा गांव से ले जाकर सो इट क्रिएटेड अ डिसेंट अमंग देम many of them had died and whereabouts of many is still unknown bahut kaha gaya to pata hi nahi many of them they fought bravely had died and whereabouts of many is Still unknown. अब ये सारी चीज है इसके अलावा देयर इज ए स्लेव ट्रेड ऑल्सो रन बाई ब्रिटिशर्स दे टेक इंडियंस एज ए स्लेव एंड सेंड देम टू यूरोपियन कंट्रीज तो वो यहां से क्या है मजदूरी सस्ती है तो यहां से ऐसे स्लेव्स की तरह ले जाते थे उनको कुछ पगार भी नहीं देते थे सो बस ऐसे उनसे काम लेते थे तो ये भी एक रीजन था So there was slave trading. कभी उन्होंने जब न्यूली अफ्रीका में अपना कॉलोनियल वो किया था तो वहां के लोग काम करने से मना करते थे तो वो इंडिया से ले जाकर वहां काम करवाते थे स्लेव्स को There was slave trading from India to अफ्रीका बहुत गए ठीक है एंड सम इन यूरोपियन कंट्रीज क्योंकि अमेरिका में तो लुइस के आने से लुइस ने लड़ाई कर दी थी तो फिर ब्रिटिश को जाना पड़ा था उसी से उसका तो 2 बिलियन लिबरे का खर्च आया था तो अमेरिका नहीं भेजा गया सिर्फ यूरोप में गए हैं और अफ्रीका में गए अब जरा देखें ये सारी चीज जो थी ये नेशनल मूवमेंट को जनरेट करने के लिए फीलिंग को जनरेट करने के लिए काफी थी नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम तो इकोनॉमिक फील्ड में हमें क्राइसिस आ गया था द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेड ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफरेंट एक्सपेंडिचर सो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्सेस अब और क्या बात हो गई जब डिफेंस एक्सपेंडिचर ब्रिटिश का बढ़ा तो उसने यहां पर टैक्स लगा दिए क्योंकि वो पूरे चार साल उसने लड़ाई की और 4 साल की लड़ाई में उसको जितना भी एक्सपेंस हुआ उसने इंडियन पे टैक्स लगा दिए सो ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट लेवीड हैवी टैक्सेस ब्रिटिश गवर्नमेंट लेवीड
हैवी टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट मैंने ऊपर बता दिया कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था, टैक्सेस भी ज्यादा हो गए थे, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज भी थी एंड कस्टम ड्यूटीज। तो बाहर से जब भी कोई सामान आता था हम कस्टम ड्यूटीज, क्योंकि हम लोगों को तो बनाने नहीं देती थी ज्यादातर सामान, रॉ मटेरियल बाहर ले जाती थी, बाहर से कपड़े आते थे ब्रिटिश से बनकर, अब उस पर कस्टम ड्यूटी लगेगी तो वो कपड़ा जो हमें सस्ता मिलता था, नाउ दैट वहां के कॉटन मिल पे बन के कपड़ा हमें मिलता था, हम तो नहीं बना पाते थे, तो इस तरीके से कस्टम ड्यूटी की वजह से वो काफी महंगा हो जाता था, सीमा कर, सीमा शुल्क। अब जरा देखो, द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन, जो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट किया गया इन ब्रिटिश आर्मी हैड ए रीसेंट, उसकी वजह से भी लोगों में एक तरीके का एंगर हुआ, क्योंकि क्यों आप फोर्स रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आपको खुद जीतना है, आपकी बार है, हम में से 100,000 लोगों को क्यों ले जा रहे हैं। सो फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी सो ऑल्सो इंड्यूस्ड एन एंगर, तो रूरल एरिया में ऐसा किया गया फोर्स्ड, और पता भी नहीं चल पाता था कहां ले जा रहे हो, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश आर्मी ऑल्सो इंड्यूस्ड एंगर, ठीक है, तो एक ये भी रीजन था कि इस तरीके से मरने के लिए ले जा रहे हो ना। अब इतनी सारी बात हो गई, क्या ये सब चीजें सफिशियंट नहीं है हमें नेशनल फीलिंग लाने के लिए, बताइए। तो आई थिंक इट इज सफिशियंट कॉज, तो अब हम रीजन बनाएंगे कि व्हाट आर द रीजन कि जिसकी वजह से हमारे नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, दैट वी विल सी। एनीथिंग टू से, जस्ट ए मिनट, thank you.
सो प्राइमा फेसी प्रथम दृश्य देखने पर ये रीजन लगते हैं कि दीज आर द रीजंस फॉर एजुकेटिंग पीपल ऑफ इंडिया एंड इंस्पायरिंग इंडिया प्रमोटिंग इंडिया टू बी ए नेशनल स्टेट. मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय वो अफ्रीका से साउथ अफ्रीका से अपनी बैरिस्टरशिप को खत्म करके अपने बैरिस्टर के पेपर को एलएलबी के पेपर को जला कर कि अब हमें बैरिस्टर नहीं बनना है अपने देश की सेवा करनी है वापस. नाउ मोहनदास करमचंद गांधी उन्होंने अपनी सारी डिग्रियां जला दी. करमचंद गांधी और वहां वो एक जो एक लीगल फाइट चल रही थी गवर्नमेंट के साथ उसको भी जीत लिया और उन्होंने वहां के जो ब्लैक लोग थे उनको इंसाफ दिलाया तो वहां पर बहुत फेमस हो गए थे. मोहनदास करम चंद गांधी दैट इज महात्मा गांधी रिटर्न इन इंडिया ऑन 1915 ये वर्ल्ड वार के बीच की बात है तो आप देख लीजिए कैसे है उस समय. He believed that dharma of non-violence could unite all Indians. So he believed that truth and non-violence. So it is a different kind of tactics which was never adopted or implemented by any leader. So could unite Indian. उनका कहना था कि तुम सत्य के लिए डटे रहो. That is whatever is truth, you should stand firmly for truth. ऐसा उनका मानना था. So you should stand firmly and if somebody is imposing some wrong thing, say no. If he wants to shoot, just stand and die due to the fire. It is a kind of bravery. एक होता है कि आप किसी को शूट कर दो, एक होता है कि कोई गोली मार रहा है तो आप उससे कह दो कि yes, you can shoot me, but I will not obey you. इट इज ए ग्रेट इम्पैक्ट. अगर आप किसी से लड़ते नहीं हो तो वो आपसे कितनी देर तक लड़ेगा. तो एक को मारेगा दो मारेगा और इस तरीके से ब्रिटिश फेमस हो गए कि दे आर फायरिंग ऑन इनोसेंट पीपल दोज हु आर नॉट डूइंग एनीथिंग एंड दे आर फायरिंग जस्ट ओनली फॉर डिनायल ऑफ द लॉज. सो इस तरीके से हमने देखा कि आगे चलकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन में कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे. सो वी आर इंडिपेंडेंट. सो वी आर इंडिपेंडेंट इंडिया और वी विल नॉट ओबे यू. तो इस तरीके से लोग गोली खाने को तैयार थे. इट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ ब्रेवरी नॉट लेस देन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दो दे हैव शूटेड. It is also a kind of bravery. But those farmers who do not have any kind of weapons, they also fought bravely, taken the rounds in their soldiers and died. And, but they never accepted any wrong rule. So in this way, many of the Indians, 30 crores Indian participated under the leadership of Mahatma Gandhi on the path of truth and non-violence. कि वी विल स्टैंड फॉर ट्रूथ बट वी विल नॉट टेक पीपल. सो आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह मूवमेंट. ही ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह. सत व्हाट डज इट मीन बाय सत्याग्रह दैट इज डिमांडिंग फॉर राइट ऑफ टू सत्य का आग्रह. सो सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने शुरू कर दिया. सो इन चंपारण खेड़ा एंड अहमदाबाद ये सेम चीज है. सत्याग्रह का मतलब है ट्रुथ के लिए खड़े होंगे लेकिन हम वायलेंस नहीं करेंगे. इन
कहाँ कहाँ पर? चंपारण बिहार में है, बिहार में, इसे याद रखिएगा, चंपारण बिहार में। खेदा, खेदा कहाँ है? सो मध्य प्रदेश में। खेदा गुजरात में, हाँ गुजरात में। एंड दैट इज अहमदाबाद, वो भी गुजरात में। सो तीन जगहों पर उन्होंने ये काम किया। सत्याग्रह वाज़ ए नोबल मेथड ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस विद महात्मा गांधी अडॉप्टेड इन स्ट्रगल। आज इसके बाद चार साल बीत गए, 1915 में आए थे, 1919 में क्या हुआ? गांधी जी डिसाइडेड ए नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट इन 1915 में तो आए थे। सो ही स्टार्टेड नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट। इसकी पहली शर्त थी कि हम उनको हाथ नहीं लगाएंगे, अंग्रेजों को गोली खा लेंगे लेकिन उनके साथ लड़ाई नहीं करेंगे। सत्याग्रह मूवमेंट अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था? अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, एज पर दिस एक्ट विदाउट एनी परसिक्यूशन एनी ब्रिटिश पुलिस कैन पिक यू, कैन एंटर इन योर हाउस, पिक यू और योर फैमिली मेंबर एंड पुट यू बिहाइंड बार्स अप टू 2 years। बिना किसी कारण के वो 2 साल तक अंदर कर सकती है। ये बहुत गलत एक्ट था और मुस्लिम तो इससे इतने विरोधी हुए कि तुम हमारी अनुपस्थिति में इन अवर एब्सेंस हाउ कैन यू एंटर इन अवर हाउस, there our wives and daughters are there and you, how you can enter? तो ये सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने चलाया। In this, Britishers can, तो Britishers क्या कर सकते थे इसमें? तो ये कोई नाम था AJ Rowlatt, कोई उन जस्टिस के नाम पर इसका नाम रखा गया Rowlatt। Britishers, ब्रिटिश पुलिस, जो ब्रिटिश पुलिस थी वो क्या कर सकती थी? कैन पुट यू, पुट एनी इंडियन बिहाइंड बार, एनी इंडियन बिहाइंड बार अप टू 2 years विदाउट एनी रीजन और कुछ भी प्रोसिक्यूशन। तो ये चीज थी। नाउ जलियांवाला बाग मैसेकर, उसी साल एक और बात हो गई कि 1919 की बात है। इन 1919 13th अप्रैल 1919 जनरल डायर ने वहां पर मैसेकर का मतलब है कि लोगों को बड़े पैमाने पर मार दिया। सो जनरल डायर opened, ordered to open fire, ordered to open fire on peaceful procession going among people on the festival of Baisakhi. तो उन पर peaceful procession, among people on event of Baisakhi. तो बैसाखी पर लोग फेस्टिवल मनाने आए थे। सो उसने उन पर जो तीन तरफ उसमें सिर्फ एक गेट था उसी गेट से वो एंटर किया और विदाउट एनी नोटिस कि यू शुड गो अदरवाइज आई विल ओपन फायर। सच नो नोटिस वॉज गिवेन, देयर वर चिल्ड्रंस, there were child of 2 years also, ladies, old persons, and he just opened fire by killing 350 of the innocent people. There was a well, many of them have got dumped into this, they have jumped to save life, however they all died. Ultimately they were also opened fire to ensure that everybody is killed. So such was the event. So
दिस ऑल्सो पुट एजिटेशन एमंग पीपल. अल्टीमेटली जनरल डायर वॉज सस्पेंडेड एंड पनिश्ड व्हेन ही वॉज आस्क्ड हैव यू हैड एनी अरेंजमेंट ऑफ एम्बुलेंस फॉर दोज हु वर wound or who were at that time helpless. So he has said, if somebody कोई मुझसे अगर मांगता है help तो ही मैं करता हूँ. तो वहाँ पर जो उनके जो भी जज थे उन्होंने पूछा कि 2 साल का बच्चा आपसे कैसे help मांगता, तो फिर उस पर वो चुप हो गया और उसको सस्पेंड कर दिया गया और उसको पनिशमेंट दिया गया. उसने फिर इससे ब्रिटिश की जो रेपुटेशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुई. ना ये तो बात हो गई कि 1919 में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया खेदा में और रॉलेट एक्ट हुआ. 1919 में रॉलेट एक्ट हुआ, 1919 में जनरल डायर था उसने गलत काम कर दिया. और ये कहां हुआ? इन अमृतसर जलियांवाला बाग. ये कहां किया बताइए? जलियांवाला बाग इन अमृतसर. तो अमृतसर में ऐसा किया. एक और चीज हो गई थी, जरा देखिए 1918 में तो युद्ध खत्म हो गया था लेकिन सारा सेटलमेंट हुआ 1919 में. जर्मनी की पावर सारी कर्व कर दी गई और खलीफा को बोल दिया गया तुम्हारी कोई पावर नहीं है, सिर्फ तुम नाम मात्र के खलीफा हो. इससे जितने भी सारे लोग थे मुगल्स जो भी इंडियन मुस्लिम्स थे They were having dissent. तो वो बहुत ज्यादा annoyed हो गए. किस पर? ब्रिटिशर्स पर. कि ब्रिटिश तो अलाइड सेना में थी, तो ब्रिटिश अलाइड सेना में थी उसी का किया कर रहा है और उसी ने ये इम्पोज करवाया है. तो वो चाहते थे कि ब्रिटिश को किसी तरीके से हम इसका सबक सिखाएं. तो अब जरा देखिए, तो खिलाफत मूवमेंट इसके साथ मिल गया. कैसे मिल गया? द खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई अली ब्रदर्स. क्यों हुआ? जरा ये भी देखें. खिलाफत मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई अली ब्रदर्स. कौन थे? सैयद अली थे और दूसरे मोहम्मद अली एंड शौकत अली. दैट इज मोहम्मद अली. ये दोनों भाई नहीं थे, बस ऐसे है, ऐसा ना सोचेगा कि भाई थे. शौकत अली. ये किस लिए? इन अपोजिशन टू ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स के अपोज में हु कर्व्ड. कर्व्ड का मतलब जानते हो? उन्होंने पावर को सीमित कर दिया था. सीमित करना. हु कर्व्ड या कन्फाइन द पावर्स ऑफ खलीफा. तो महात्मा गांधी ने एक और चालाकी की. जहां जहां जो एजिटेशन हुए उन्होंने सबको जोड़ लिया एक में कि हाँ हाँ तुम्हारा आंदोलन भी हमारे जैसा, चलो हम लोग एक ही झंडे के नीचे करें. तो ये प्रैक्टिस महात्मा गांधी में थी और उन्होंने उस जो भी मोमेंट कहीं भी हुए उसको उन्होंने सब एक ही मोमेंट बना दिया कि इंडिया को आजाद करो. सो अब ये देखो, इट वॉज ड्यू टू द अनजस्टिस डन टू टर्की आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इट इज ड्यू टू अनजस्टिस. देखो अभी टर्की है, पहले ऑटोमन एम्पायर कहलाता था. इट इज ड्यू टू अनजस्टिस डन टू टर्की. टर्की यानी अर्लियर क्या नाम था उसका? ऑटोमन एम्पायर. ठीक है, बाई ब्रिटिशर्स इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इसे 1WW भी कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब जरा देखो ये सारी चीज हो गई. तो महात्मा गांधी डिक्लेयर दैट इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट ब्रिटिश रूल इंडिया विल कोलैप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज विल कम. इतना होने के बाद महात्मा गांधी ने
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया. नॉन कॉपरेशन का मतलब वी विल नॉट कॉपरेट. हाउ वी विल नॉट कॉपरेट? आवर एनी ऑफ द मेंबर विल नॉट वर्क इन ब्रिटिशर्स ऑफिस. उन्होंने कहा जो ब्रिटिशर्स के ऑफिस में सब लोग वापस आ जाओ, वो जो कहें उसको मानने से इंकार कर दो. एक होता है सत्य के लिए हम आगे खड़े हो गए, और दूसरा है कि हम ब्रिटिश की रूल ही नहीं चलने देंगे. उनके तो यहाँ पर फ्यू थाउजेंड्स हैं, वो हमारे साथ मिलकर अपना शासन चलाते हैं. वी विल नॉट कोऑपरेट देम, वी विल नॉट वर्क इन देयर एजेंसी. एक ये दूसरी अलग चीज हो गई. तो अब ये दूसरा मूवमेंट चला. गांधी जी बिलीव इफ एनी ऑफ अवर इंडियन इज नॉट कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिशर्स then they cannot rule in India, and ultimately non-cooperation khilafat movement was started. Khilafat usi mein mila diya in 1921. So dono ko mila diya, merge kar diya, ab ek hi andolan ho gaya Hindu Muslim ka. To Gandhi ji believed if Indians did not cooperate, क्योंकि past tense है तो did लगाना पड़ेगा, cooperate with Britishers and leave their job in British office, they cannot run administration. Administration. So he started non-cooperation movement. Asahyog Andolan. Non-cooperation. Upar jo tha वो कौन सा था? सत्याग्रह. सत्याग्रह तो हिंदी का ही है. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब हम सहयोग नहीं करेंगे आपके किसी भी काम में, तो इसका नाम है असहयोग. सहयोग नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे. आंदोलन विच अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट इन 1921. तो ये बाद में जो ये शौकत अली का था वो भी इसमें आ गया. विच अल्टीमेटली कन्वर्टेड इंटू नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट. दोनों मिलकर एक झंडे के नीचे खिलाफत मूवमेंट इन 1921. तो 1921 में ये चीज हो गई कि एक साथ हो गए. अब जरा देखो तो धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, और गांधी जी का मानना था कि अगर हम ऐसा करते हैं तो एक साल के अंदर ही हमको स्वराज मिल जाएगा. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर सफल हो गया देन विद इन वन ईयर वी विल बी फ्री from and we will excavate, हम निकाल बाहर फेंकेंगे ब्रिटिशर्स को. so he was firm believer of it. तो ये बात थी 21 की. now अब देखिए स्वराज डिक्लेयर इफ इंडियन रिफ्यूज टू कॉपरेट देन विद इन अ ईयर स्वराज विल कम. द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट इन 1921 में स्टार्ट हो गया था. वेरियस सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन मूवमेंट. ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेज फॉरेन गुड्स एंड क्लॉथ्स फॉर बॉयकॉट. जरा बड़ी बात है सुनिएगा. इसमें ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को लोगों ने छोड़ दिया जहां जहां काम कर रहे थे. स्कूल कॉलेज बॉयकॉट कर दिए. लोगों ने
एडमिशन ही नहीं लिया, और जिन्होंने लिया था उन्होंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती थी और जो सिलेबस था वो भी ब्रिटिशर्स के द्वारा ही था, तो वहाँ पर पढ़ाई छोड़ दी। नाउ गुड्स एंड क्लॉथ्स वर बॉयकॉटेड, कई चीजें की गई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत बड़ा था, बहुत सारे कपड़े एक साथ ढेर लगाकर होली जलाई गई कि हम ब्रिटिश कपड़े पहनेंगे ही नहीं, हम चरखा चलाएंगे, हम अपने कपड़े खुद बनाएंगे, हम कोई भी फॉरेन गुड्स यूज नहीं करेंगे, वी विल बी हैविंग सेल्फ सस्टेन्ड लाइफ, हम अपनी लाइफ खुद जिएंगे। तो इस तरीके से सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये करना आसान भी था लोगों के लिए, मूवमेंट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन वर बॉयकॉटेड, वहां पर कोई जाता नहीं था, वर बॉयकॉट तो इसी तरीके से स्कूल कॉलेज फॉरेन गुड्स एंड क्लॉथ्स वर ऑल्सो बॉयकॉटेड, स्कूल कॉलेज फॉरेन गुड्स एंड क्लॉथ्स, मेनली क्लॉथ्स, क्लॉथ्स के बॉयकॉट से वहां बहुत सारी एजेंसी बंद हो गई, वर बॉयकॉटेड, कितना काम हो गया। अब देखो द मूवमेंट ड्रू इन टू फोर द स्ट्रगल ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल्स विच वर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इन ईयर आफ्टर द वॉर, ड्रू इन टू फोर द मूवमेंट ड्रू इन टू फोर, एक और नई चीज हुई जिससे कि इस आंदोलन को और बल मिला, कि एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू कर दिया था जिसमें कि जो यहाँ की लकड़ी थी उसको वो रेलवे बनाने के लिए यूज कर रहा था, पटरी के नीचे जो प्लैंक्स बिछाए जाते हैं, तो लकड़ी की वो खुद कटाई करना चाहता था, तो उसने फॉरेस्ट को अपने अंडर में ले लिया, और जो आसपास रहने वाले उस समय शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे उनको और किसानों को वहाँ जंगल से लकड़ी लाने के लिए मना कर दिया, इससे लोगों में एजिटेशन आया, जो उस समय ऐसे लोग थे कि यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, जैसे नोमैड्स लोग थे, तो अब वो लोग, उन लोगों के पास कुछ व्यापार नहीं रह गया, कुछ करने को नहीं रह गया, देयर लिवलीहुड वाज इन डेंजर, सो वो लोग भी अब इस मूवमेंट में शामिल हो गए, दो देयर मूवमेंट वाज अगेंस्ट दैट फॉरेस्ट एक्ट, बट गांधी जी स्किलफुली एडेड इट इनटू द नेशनल मूवमेंट। सो नाउ अंडर द Inland Immigration Act, the plantation workers in Assam were not permitted to leave the tea gardens. एक ये भी चीज हुआ, under the immigration, जो अपने गांव को छोड़कर आते हैं और बाहर जाकर के चाय के बागानों में काम करते हैं, उनसे कहा गया जब तक चाय उगा नहीं लोगे तुम यहां से छोड़ के नहीं जा सकते। Under the Immigration Act ऑफ 1859, ये एक्ट बहुत पहले बना था बट प्रोमिलगेट हुआ, वो बहुत पहले से डिसेंट में थे, तो प्लांटेशन वर्कर्स को भी एक चांस मिल गया, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव टी गार्डन्स, वर नॉट अलाउड टू लीव टी गार्डन्स, कब तक, विदाउट परमिशन, सो ये चीज है विदाउट परमिशन, व्हेन दे हर्ड अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ देम ज्वाइन, कि हम भी नॉन कॉपरेट करेंगे, हम तो अपनी मर्जी से जाएंगे जहां जाना होगा, व्हेन दे हर्ड अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थाउजेंड्स ऑफ देम ज्वाइन इट,
इट वॉज ऑल अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. ओके, द प्लांटेशन वर्कर्स इंटरप्टेड द टर्म स्वराज इन देयर ओन वे. दे इमेजिन इट इन ए टाइम व्हेन देयर ऑल एंड ट्रबल एंड सफरिंग विल एंड. उन्होंने सोचा कि ये स्वराज वही है जब हमारी सारी मुसीबत अंत हो जाएंगे. एंड गांधी जी ऑल्सो वेयर दे हैड गॉन दे हैड इंटरप्रेट द स्वराज इन देयर वे व्हाट द लोकल पीपल डिजायर. सो इन देयर टर्म्स इट वॉज नॉट सेम इन ऑल द केसेस. सो उनको उन्होंने वैसे बताया कि स्वराज क्या होगा. एक और भी घटना घटी. हम 21 की बात कर चुके हैं कि जिस समय नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट एक साथ हो चुका था. अब 21 की बात सुनिए. महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विथड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ड्यू टू आउटब्रेक ऑफ वायलेंस इन चौरी चौरा. सारे भी मूवमेंट हो चाहे सत्याग्रह हो या फिर नॉन कोऑपरेशन हो, सबकी एक बेसिक कंडीशन ये थी कि हमको हथियार नहीं चलाने हैं. वी शुड नॉट हैव फाइट विद ब्रिटिशर्स. तो एक घटना घटी. सो इन फरवरी 1922 इन चौरी चौरा पुलिस स्टेशन वॉज बर्न्ड. सो पुलिस स्टेशन बर्न कर दिया गया. वॉज सेट टू फायर. उसमें पुलिस वाले मारे भी गए बाई लोकलाइट्स लोकल पीपल ने ऐसा कर दिया. सो गांधी जी एंडेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कि एक भी जगह भारत में अगर ऐसा हो गया तो हमारा ये है पावरलेस हो गया. सो गांधी जी विड्रू. सो गांधी जी विड्रू. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक टाइम में एक ही आंदोलन चल रहा था. जब नॉन कोऑपरेशन था फिर स्वराज सत्याग्रह नहीं था तो एक ही टाइम था. ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड द साइमन कमीशन टू लुक द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस. तभी एक साइमन तो एक कोई ओजे साइमन थे तो वो साइमन भारत में आए ये देखने के लिए कि हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ के संविधान में क्या बदलाव कर सकते हैं. दो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज गिवन बाई ब्रिटिश इट वॉज प्रोमलगेटेड बाई ब्रिटिश देन ऑल्सो साइमन केम इन इंडिया कि टू सी वॉट चेंजेस कैन बी डन एज पर द कल्चर ऑफ इंडिया. सो दैट इज ओजे या जेजे साइमन भारत आए. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड साइमन कमीशन अंडर साइमन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम. तो साइमन कमीशन सो साइमन अलोंग विथ इट्स टीम अपनी टीम के साथ आए कॉल्ड साइमन कमीशन. साइमन कमीशन तो ये कब आए. अब देखो 22 में तो आंदोलन वापस हो गया मूवमेंट वापस हो गया नॉन कोऑपरेशन. ये 28 में आए. इन 1928 उस समय भी जब ये सी फोर से उतरे तो सब लोग प्लैंक लेकर के खड़े हुए थे स्टैक बोर्ड लेकर के कि साइमन वापस जाओ तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं चाहते ना तुम्हारा सुधार चाहते हैं. इसे बहुत सारे लोगों ने उनका विरोध किया बट वो यहाँ पर आए. हम लोग उनकी प्री हिस्ट्री जानते थे तो वो बदनाम आदमी थे तो इसलिए लोग ऐसा कह रहे थे. सो इट हैज 7 मेंबर्स इट डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबरशिप. सो इट वॉज बॉयकॉटेड बाय इंडियंस विद द स्लोगन गो बैक. सो इट हैज 7 मेंबर्स विद नो इंडियन मेंबर्स. So it was boycotted. It's now. आप देखिए साइमन गोबैक के स्लोगन के साथ ये बात की गई. हाउएवर जो चेंजेस करने थे उसने किए. इन दिसंबर 1929
प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, तो अब जवाहरलाल अब तक कांग्रेस, सो एओ ह्यू ने कांग्रेस की स्थापना कर दी थी इस बार एस्टेब्लिश, और उसका लाहौर कमीशन हुआ 1929 में, जिसके प्रिसाइडिंग अफसर जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने वहां पर 1929 में क्या किया, सो इन 29 पूर्ण स्वराज, दैट उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम पूर्ण स्वराज हैं, वी आर फुली इंडिपेंडेंट, हम अपने को मानते हैं, ब्रिटिशर्स माने या ना माने। सो ये चीज कब की गई, इन दिसंबर 29, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, इन दिसंबर 29 दिसंबर, और कब, 20 दिसंबर 1929 डेट नहीं दी है। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू अनाउंस्ड पूर्ण स्वराज या डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, हमारा ही राज है, ब्रिटिशर्स का नहीं है, इन लाहौर अधिवेशन, ठीक है, तो लाहौर कांग्रेस, लाहौर कांग्रेस उन्होंने किया, ठीक है, वो उसके प्रिसाइडिंग अफसर थे, अंडर हिज प्रेसिडेंसी तो एक काम तो इन्होंने ये किया, ये भी एक प्रोग्रेस है। फिर इसके बाद महात्मा गांधी ने फाउंड इन साल्ट ए पावरफुल सिंबल, इसके बाद एक नमक कानून बना, सॉल्ट लॉ, तो देयर वर नॉमिनल टैक्सेस व्हिच वर लेवीड बाय ब्रिटिशर्स, कि नमक अगर खरीदोगे तो एक किलो पर एक पैसा टैक्स पड़ेगा, तो गांधी जी ने एक इसे अच्छा चांस माना कि हम एक पैसा भी क्यों दे, हम एक पैसा भी नहीं देंगे, वी विल मेक सॉल्ट बिकॉज इट इज गिवन बाय नेचर, आई विल नॉट गिव बिकॉज वी वॉन्ट टू डिफाई ऑल द लॉज, हम उनके सब कानून तोड़ना चाहते थे, तो कुछ भी अगर एक तोड़ते हैं देन ब्रिटिशर्स विल बी अंडर फिक्स, तो उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी यात्रा की। सो इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पूर्ण स्वराज की बात आ गई 29 में, इसके पहले देखोगे तो 22 में चौरी चौरा कांड था, वो वापस ले लिया गया, फिर और आगे देखोगे 28 में साइमन कमीशन आया जिसको वापस भेजने की बात की गई, 29 में पूर्ण स्वराज की बात की गई, तो ये धीरे धीरे एक एक डेट आगे बढ़ती चली जा रही है। नाउ गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 में करीब 300 माइल्स की यात्रा की, 300 माइल अपने आप में बहुत ज्यादा होता है, 500 किलोमीटर, जिसमें कई शहर पार करके जाए, एक शहर 30 किलोमीटर का होता है, तो आप समझ सकते हैं कि 500 किलोमीटर में कितने शहर पार कर लिए होंगे, तो उन्होंने साबरमती से दांडी की यात्रा की, तो इसमें उनको 19 दिन लग गए चले। सो इन ऑन 6 अप्रैल 1930 व्हेन सॉल्ट टैक्सेस वर इंट्रोड्यूस्ड By ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट पे टैक्स लगा दिए, then to break salt law गांधी जी, so गांधी जी marched from साबरमती, उनका एक आश्रम था अहमदाबाद में, साबरमती टू डांडी, डांडी एक सी बीच है, ठीक है, एंड ब्रोकन लॉ ऑन 6 अप्रैल 1930 में, तो उन्होंने लकड़ी पे आग जलाई और पानी को बॉईल किया, और उस पानी को बॉईल करके उन्होंने नमक बना लिया, और इस तरीके से नमक कानून को तोड़ दिया। सो इट वाज आल्सो अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन ब्रिटिश रूलर्स की इंडियंस हमारे लॉ को डिफाई कर रहे हैं, उसके लिए वो कुछ लीडर्स अरेस्ट भी किए गए, बट उनको इमीडिएटली छोड़ दिया गया,
ज्यादा दिन उनको जेल में नहीं रखा गया। ओके तो यहां तक की डेवलपमेंट हो गई थी और अभी हम लोग 30 तक आ गए थे। देखो 1915 में गांधी जी आए और उसके बाद से ये सारे डेवलपमेंट्स हुए। इसमें सत्याग्रह भी हुआ, इसमें खिलाफत आंदोलन भी हुआ, फिर इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी हुआ जिसको खिलाफत आंदोलन से जोड़ दिया गया। आफ्टर दैट जो नॉन कोऑपरेशन था उसमें ब्रिटिश बिलोंगिंग्स, उनके इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, ये सब बायकॉट किए गए। लेकिन एक बार जब चौरी चौरा कांड के बाद इसे वापस ले लिया गया तो छात्र बहुत निराश हो गए और उन्होंने फिर से स्कूल कॉलेज ज्वाइन कर दिए। उनका मानना था कि एक छोटी सी घटना के लिए गांधी जी ने अपना आंदोलन क्यों वापस ले लिया, तो फिर वो फिर से स्कूल जाने लगे। सो नाउ अब देखें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहां तक था कि हम आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, अब एक अलग चीज थी। उन्होंने कहा कि हम आपको डिसोबे करेंगे, ये नई चीज आ गई। पहले तो था कि हम क्या करेंगे कि आपके साथ सहयोग नहीं करेंगे। अब एक अलग चीज होती है, वो ज्यादा क्रिमिनल होती है। तो सविनय अवज्ञा, आप जो बोलोगे हम उल्टा करेंगे, तो उसको कहते हैं अवज्ञा करना, सिविल डिसोबीडियंस। एक होता है नॉन कॉपरेशन, कॉपरेट नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे तुम्हें जो करना है। अब जो आप बोलोगे हम उसका उल्टा करेंगे। सो अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। सो इन ऑर्डर टू गांधी जी ने ये जो किया, द सॉल्ट लॉ विद द प्रूफ With breaking of salt law, break कर दिया ना उन्होंने salt law, with breaking of salt law, गांधी जी started, उसी time start कर दिया, उन्होंने announce कर दिया, started civil disobedience movement, ये 1913 हो गया start, civil disobedience movement, हम disobey करेंगे अब आपको, मूवमेंट जो बोलोगे उसका उल्टा करेंगे। इसको कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा करेंगे आपकी, आज्ञा नहीं मानेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया। अच्छा, टू क्रश द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट वंस अगेन फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन एंड अरेस्टेड मेनी लीडर इंक्लूडिंग महात्मा गांधी एंड अब्दुल गफ्फार खान। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो बहुत बड़ा है, आप किसी को डिसोबे कर रहे हो, तो इसके लिए मेनी पॉलिटिकल लीडर जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और खान, अब्दुल गफ्फार खान को जेल में डाल दिया गया। टू क्रश दिस मूवमेंट ब्रिटिशर्स ने रिप्रेशन की पॉलिसी अपनाई। रिप्रेशन का मतलब और ज्यादा जुल्म उठाए। दिस मोमेंट ब्रिटिशर्स फॉलोड पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन एंड पुट गांधी जी एंड अदर नेशनल लीडर्स, अब गफ्फार खान का भी नाम लिख देना, एंड अदर नेशनल लीडर्स बिहाइंड बार। अच्छा, अब जरा देखिए, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर रीजन। तो वो जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास है, जो
अलग अलग कॉटन मिल में काम कर रहा है या कहीं भी काम कर रहा है, उसे सिविल डिसोबीडियंस से मतलब नहीं था, वो अपना काम कर रहा था, उसने डिसोबे नहीं किया क्योंकि उसने देख लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का क्या हुआ था। बाद में वो चौरी चौरा कांड की वजह से वापस ले लिया गया, सारे कॉलेज के लड़के फिर से पढ़ने चले गए, 2 साल की पढ़ाई भी खराब हुई, तो अब वो गांधी जी के चक्कर में आने वाला नहीं था। उसने फिर अपना काम जारी रखा, उसने कहा हम डिसोबे नहीं करेंगे, हम अगर ब्रिटिशर्स के भी अंडर में तो हम काम करेंगे। हाउएवर नागपुर रीजन में, नागपुर में आरएसएस भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि हिंदुओं की एक संस्था है, तो उन्होंने इसका पालन किया। सो इट वाज ओनली इट्स इफेक्ट वाज सीन बाय नागपुर ओनली इन नागपुर रीजन, ये ज्यादा नहीं चल पाया। सो ये चीज है। ओके, इन कंट्री साइड रिच पीजेंट्स कम्युनिटीज लाइक पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव। कौन कौन एक्टिव हुई है भी देखो। सो पाटीदार ऑफ गुजरात यानी जिनके पास बड़ी बड़ी जमीन थी गुजरात, एंड जो जाट्स थे, युद्ध करते हैं जाट्स, तो जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वे सारे लोग हुए। प्रदेश एंड नागपुर रीजन, नागपुर रीजन ओनली पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, इन दिस मूवमेंट। तो ये मूवमेंट हो गया। नाउ अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन आल्सो पार्टिसिपेटेड, वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया, उन्होंने मार्च निकाला, आपकी बुक में फिगर बना हुआ है, ए लार्ज नंबर ऑफ वुमेन आल्सो, ये 1930 की बात है, तो मुंबई का मार्च आपके दिखाया गया है, पार्टिसिपेटेड, उसमें व्हाइट कलर में लेडीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। अब देखिए, नाउ सिविल डिसोबीडियंस, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड स्वराज वुड नॉट कम इफ अनटचेबिलिटी, अगर भारत में सब लोग एक नहीं होंगे तो स्वराज नहीं आएगा, यानी हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम था, तो ब्राह्मण शूद्र से जो उनकी सफाई में रहते थे, जैसे धोबी नाई पासी कहार चमार, इस तरीके के जो लोग थे जो छोटे छोटे काम करते थे, तो ब्राह्मण लोग उनके साथ अनटचेबिलिटी करते थे, उनको अपने कुएं में पानी नहीं पीने देते थे, मंदिर में नहीं आने देते थे, तो सच डिस्क्रिमिनेशन एंड हार्स बिहेवियर एंड मार्जिनलाइजेशन ऑफ अ ग्रुप, तो उसको करने से वो अनटचेबल समझे जाते थे, उनको टच नहीं करते थे, वो जिस बर्तन में खाते थे तो उसमें वो नहीं खाते थे, यहाँ तक कि जो पहले होटल्स थे उसमें भी लिखा रहता था कि दीज फोर्थ ग्रेड पीपल दीज आर नॉट अलाउड, तो ये सारी चीजें अनटचेबिलिटी थी। गांधी जी हैड नेवर बिलीव्ड ऑन इट, और उन्होंने उनको हरिजन कहा, बोला ये भगवान के लोग हैं, एंड अनटचेबिलिटी इफ इट इज नॉट इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया देन स्वराज कैन नॉट कम इन 100 ऑफ ईयर्स, तो अगर ये नहीं होगा तो फिर हम अगर स्वराज पा भी जाएंगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये बड़ी बात है। सो गांधी जी बिलीव दैट, गांधी जी डिक्लेयर्ड, तो उन्होंने डिक्लेयर्ड दैट स्वराज विल नॉट कम अंटिल अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर थे वो खुद ही झाड़ू लगाते थे, वो जब पढ़ने जाते थे तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य थे वो तो पढ़ते थे, और हरिजन को झाड़ू लगाना पड़ता था पढ़ने से पहले, और वो जमीन पे बैठ के पढ़ते थे, तो इसी वजह से अंबेडकर ने संविधान बनाया। विल नॉट कम अंटिल द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी, इस अंटिल है, विल नॉट कम अंटिल, जब तक कि इस नॉट इरेडिकेटेड, जब तक उसे समूल नष्ट न कर दिया जाए तब तक नहीं आ सकता, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि ही कॉल्ड अनटचेबल्स एज हरिजन, ही कॉल्ड
एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि वो समाज सुधारक भी थे, अनटचेबल, उनको एज हरिजन, दैट इज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मॉडर्नाइजर कहा जा सकता है, सोशल रिफॉर्मर गांधी जी को कहा जा सकता है, उन्होंने सोशल प्रॉब्लम को भी देखा। ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, सिक्योर एंट्री ऑफ हरिजन इन टेम्पल, इसके लिए सत्याग्रह छेड़ दिया। तो ही ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, जिससे वो भी शामिल हो सके, सत्याग्रह फॉर एंट्री ऑफ हरिजन, अदरवाइज उनको गंदे कुएं का पानी पीना पड़ता था, साफ कुएं का पानी उनके लिए अलाउड नहीं था। इन टेम्पल्स या आसपास की कोई बाड़ी होती थी पानी पीने की, उन सब में अलाउ किया। पब्लिक वेल्स, पब्लिक वेल्स में अलाउ किया कि वो पानी पी सकते हैं। एंड रोड्स एंड स्कूल, स्कूल में भी अलाउ किया। ये एक अलग तरीके का सत्याग्रह था जो रिफॉर्मर था। बी आर अम्बेडकर ऑर्गेनाइज दलित इनटू डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, 1930 में उन्होंने एक डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाई। बी आर अम्बेडकर फॉर्म्ड डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ही वो डिप्रेस्ड है, एसोसिएशन इन 1930 फॉर दलित, दलित के लिए बनाई, दलित के लिए। और फिर बाद में उनको रिजर्वेशन मिलने लगा, हम जानते हैं आज इतने परसेंट रिजर्वेशन है इन्हीं दलित के लिए। द पूना पैक्ट क्या था, वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड अंबेडकर। दिस पैक्ट गिव्स द रिजर्वेशन सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो 1932 में क्या था, उस समय भी हमारे यहाँ के लीडर्स को चुनाव लड़ने की, तो हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रोविंस थे, मद्रास प्रोविंस, मुंबई रेजिडेंसी, इसी तरीके से बंगाल प्रोविंस, अलग अलग प्रोविंस थे। वो 5-6 प्रोविंस थे, ज्यादा नहीं थे, जैसे आज 28 स्टेट्स हैं वैसे नहीं थे, बड़े बड़े प्रोविंस थे, मद्रास प्रोविंस। तो उन प्रोविंसेस में चुनाव होते थे, तो उन चुनावों में उन्होंने गांधी जी के साथ एक पूना पैक्ट किया बैठ के कि इतनी सीट्स हरिजन को मिलनी चाहिए, वो वहां से लड़ेंगे, जहां हरिजन बाहुल्य है, वेयर दे आर इन मेजोरिटी दे शुड फाइट इलेक्शंस फ्रॉम देयर। तो पूना पैक्ट ये सबसे पहली शुरुआत थी रिजर्वेशन की। सो इन 1932 पूना पैक्ट, तो बिटवीन गांधी जी एंड बी आर अंबेडकर, इट वॉज डिसाइडेड दैट अ सर्टन नंबर ऑफ सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सर्टन नंबर ऑफ सीट्स फॉर दलित्स शुड बी रिजर्व ठीक है इन प्रोविंशियल, जो राज्य के चुनाव होते हैं, प्रोविंस का मतलब राज्य होता था उस समय, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये राज्य हुआ, और जो केंद्र, केंद्र में भी उस समय भी संसद थी लेकिन वो इफेक्टिव नहीं थी, तो उसको कहते थे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसके अधिकार दे दिए गए थे। अच्छा, इसके बाद नेशनलिज्म स्प्रेड रैपिडली व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे आर पार्ट ऑफ सेम नेशन। सो धीरे धीरे नेशनलिज्म लोगों में, जो टोटल ऑल ओवर इंडिया वॉज इन्वॉल्व इन दिस एजुकेशन एंड मूवमेंट, इट वॉज वाइड स्प्रेड एंड एनी हाउ एवरीबडी इज इंक्लूडेड इन इट, सो अंडर सिंगल अम्ब्रेला, सो एवरीबडी इन इंडिया, यहां तक कि जो यहाँ के राजा थे
तो राजा जो राजस्थान के राजा थे वो लूट लूट के यहाँ से लोगों से टैक्स ले लेके पैसा देते थे। हम यहाँ कभी ब्रिटिशर्स आए नहीं, तो गांधी जी ने तो यहाँ के लोगों को भी कन्विंस कर दिया कि तुम राष्ट्रीय आंदोलन करो, तुम्हें अपने राजाओं से मुक्ति चाहिए। उन्होंने कभी यहाँ नहीं आके बोला कि तुमको अंग्रेजों से मुक्ति दिलाएंगे। तो जो जिस चीज के लिए ऑप्रेस्ड था, गांधी जी ने एक वो वकील का दिमाग था, तो उन्होंने बोला कि तुम भी अगेंस्ट हो जाओ जब भी, और इसलिए एजिटेट करो कि हमें राजाओं से मुक्ति चाहिए। तो जब सब तरफ नेशन वाइड एजिटेशन हो रहे थे और एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिशर्स के हाथ में था, तो वो संभाल नहीं पा रहे थे। सो इट ऑल एक्यूमुलेटेड टू गिव एन इम्पैक्ट। और सबसे बड़ी बात थी कि 1945 में हमारे जो दो तीन राउंड टेबल कॉन्फ्लिक्ट हुए, जैसे गांधी इरविन समझौता हुआ, इनके बीच वो हुआ कि इफ यू सेंड सोल्जर्स फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1945 में खत्म हो गया था, देन क्योंकि ब्रिटिशर्स डिफीट हो रहे थे फिर से, देन आई विल क्विट इंडिया। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट चला था कि भारत छोड़ दो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हम खुद चला लेंगे। ऐसा कोई आंदोलन, नो सच मूवमेंट वाज स्टार्टेड एनीवेयर इन वर्ल्ड, बिकॉज कहीं पर भी देखो जहां कोलोनियल रूल है वहां ब्रिटिशर्स अभी भी रह रहे हैं, लेकिन यहां पर एक भी ब्रिटिशर नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा एक भी ब्रिटिशर नहीं रहना चाहिए, भारत को तुम छोड़ के चले जाओ। तो वो अभी जो यहाँ है, अगर क्रिश्चियन है वो कन्वर्टेड क्रिश्चियन है, वो ओरिजिनल ब्रिटिशर्स नहीं है, एक एक ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगा दिया गया। तो 1942 में ये हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ कि हम तुम्हारे सैनिक देंगे तुम्हें लड़ने के लिए, लेकिन उसके बदले में तुमको हमारे देश को आजाद करना पड़ेगा। और फिर 45 तक तो ब्रिटिशर्स इतने कमजोर हो चुके थे सेकंड वर्ल्ड लड़ते लड़ते कि उनके पास इतने ब्रिटिशर्स बचे ही नहीं थे कि वो यहाँ पर रूल कर सके, क्योंकि मिलिट्री पावर चाहिए थी, उनका डिमिलिट्राइजेशन हो चुका था, ब्रिटिशर्स मारे जा चुके थे। तो ऐसी स्थिति में इट वॉज बेटर फॉर देम टू लीव इंडिया, एंड बाई लीविंग इंडिया डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वॉज फॉलोड एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया वॉज डन। हिंदू कुश वॉज गिवन टू अफगानिस्तान, वन वॉज गिवन टू पाकिस्तान, एंड इन दिस वे इंडिया वॉज डिवाइडेड इन टू वेरियस कैटेगरीज। देर वर ऑल्सो अदर रीजन ऑफ कॉलोनियल ब्रिटिश, जिसको कि उन्होंने इसी तरीके से अलग अलग पार्ट्स में बांटा है, जैसे कि इसराइल और फिलिस्तीन का एरिया, उन्होंने उसको भी डिस्प्यूटेड तरीके से बांट दिया है। तो अब यहाँ पर ये बात कही गई है कि नेशनलिज्म स्प्रेड रैपिडली व्हेन पीपल बिलीव बिगेन टू बिलीव दैट ऑल आर पार्ट ऑफ सेम नेशन, लोगों में ये विश्वास आ गया कि हम सभी एक नेशन के पार्ट हैं। हिस्ट्री एंड फिक्शन, सॉन्ग्स एंड फोकलोर, prints and symbols all played a great in developing the spirit of nationalism in India. धीरे धीरे जो हमारे यहाँ सूरत में कपड़ा उद्योग हुआ, तो उसमें क्या हुआ कि लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई जाने लगी, ऐसे इंडियन सिंबल बनाए जाने लगे, जगह जगह गुलाब और रोटी एक दूसरे के हाथ में भेजी गई, जो रोटी सिंबल बनी कि वी आर इंडियन। सो सच सिंबल्स आर स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, एक से दूसरे के हाथ में भेजी गई। तो कुछ ऐसे डीटीज थे, जो प्रिंट मीडिया आया तो हमारे यहाँ नेशनलिज्म और हुआ। जो लोकल लोक कथाएं थी, जो लोकल सॉन्ग्स थे, तो उन सबको भी उन सबको भी स्प्रेड किया गया, और उसकी वजह से भी रवीन्द्रनाथ जी ने कलेक्ट किया था, तो वो तो बंगाल के थे, और सब जगह के जितने भी लोग थे, आपकी बुक में लिखा होगा तो उसमें कई लोकल लोगों के नाम होंगे कि इसे के फोकलोर सॉन्ग्स और जो लोक कथाएं हैं, दैट और लोक कथाएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दैट इज क्या कहा जाता है, तो यस सो दीज वर, हाँ, तो उन सबको इकट्ठा किया गया और फिर उसके बाद लोगों में नेशनलिज्म का उदय हुआ। इंस्पायर्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट, तो अभी अवनींद्रनाथ टैगोर प्रिंटेड इस फेमस इमेज ऑफ भारत माता, ये बड़ी बात है, अवनींद्रनाथ टैगोर प्रिंटेड इमेज ऑफ भारत माता, तो उन्होंने इंडिया को एक एलिगरी के रूप में दिखाया। सो अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है, प्रोजेक्टेड इंडिया एज एलिगरी, रूपक की वो एक जीती जाती है एलिगरी एज भारत माता, और उसका प्रिंट भी दिया, वो अभी भी वैसे ही चलता है,
तो इन सब चीजों ने इंडियंस को यूनिफाई किया और हमारे अंदर नेशनल डेवलप हुआ। तो इस तरीके से पूरा चैप्टर इतना ही है, अब इससे बाहर कुछ नहीं है। आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ोगे सब इसी के अंदर है। सो जस्ट कीप ऑन रीडिंग। अब आपको सीक्वेंस ऑफ हिस्ट्री ऑफ सीक्वेंस तो समझ में आ गया है ना कि किस तरीके से हुआ। तो जो कल की क्लास होगी उसमें हम बाकी ग्लोबलाइजेशन है या जो दूसरे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर्स हैं उनके ऊपर देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके वेलकम बेटा।